शायद खाकान अब्बासी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लद्दाख जो है वो मुल्क में जारी है और अभी अदम एतमाद आया है तो एहतसाब भी थोड़ा जागा है कि मजीद मेम्बरान को दबाया जाए और हमारे कुछ मेम्बरान को नोटिस भी नैब की तरफ से आए हैं। तो मैं नैब को बताना चाहता हूँ कि ये नोटिस आपको बड़े महंगे पड़ेंगे। आपका कोई काम नहीं अदम एतमाद के मामले में मुदाखलत करना और इसका जवाब चेयरमैन नैब को और उसके एहलकारों को इंशाल्लाह देना पड़ेगा। और सिर्फ ये नहीं है, पंजाब की एंटी करप्शन डिपार्टमेंट भी आज उसके नोटिस भी आ रहे हैं। तो मैं पंजाब की एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के एहलकारों को, उसके डीजी को, जो भी वो साहब हैं, आप कानूनी मामलात में आईन के अंदर मुदाखलत मत करें। आप पहले कहाँ थे? चौधरी तनवीर को क्यों गिरफ्तार किया गया है? इसके जवाब आप सब हजरात को देने पड़ेंगे। आज हुकूमत के इन ओछे हथकंडों को के अंदर जो एहलकार भी इसका हिस्सा बनेगा वो इसका जिम्मेदार होगा। इसलिए इस हुकूमत के, इसके चंद दिन बाकी हैं, इसके इन नाकामियों का हिस्सेदार मत बने। किसी गैर कानूनी हुक्म पर अमल करना आपके लिए भी गैर कानूनी अमल है, इस बात को याद रखें। इन बातों के जवाब जो हैं वो इंशाल्लाह वक्त आने पर इन असहाब से जो आज ये कोशिशें कर रहे हैं ये इनसे इंशाल्लाह लिए जाएंगे। जनाब देखिए, जब आदमी के पास कुछ ना रहे तो फिर गाली गलौज में उतर आता है। तो वज़ीर आज़म साहब तो पहले ही उतर आए हैं और जो मौलाना साहब ने कहा था कि आप डी चौक 10 लाख आदमी ना लाएं, सिर्फ 172 आदमी ले आए तो बात ख़त्म हो जाएगी। तो 10 लाख लाने के जो दावे हैं, ज़रूर 10 लाख लाएं, लेकिन वो 10 लाख अदम एतमाद के वोट को नहीं रोक सकेंगे। आपकी बदमाशी, आपके ये दावे, आपके ये धमकियां, ये आपको महंगी पड़ेंगी। जो हुकूमत असेंबली के मेम्बरान को असेंबली जाने से रोकने की कोशिश करेगी वो आर्टिकल 6 का सामना करने को तैयार हो जाए। जिस माई के लाल में हिम्मत है वो असेंबली जाने से रोक के दिखा दे, ये मेरा ओपन चैलेंज है इमरान खान को और इसके इन वज़रा को। हमारा हक है, अवाम की राय है, आज अवाम की आवाज़ है, अवाम की आवाज़ को जो रोकेगा उसको इंशाल्लाह सबक दिया जाएगा। हुकूमत के ताबूत में कील जो है पार्लियामेंट से आएगी और वो इंशाल्लाह आ चुकी है, ये बात उनको अब नज़र आ गई है। तो आज बजाय पार्लियामेंट का रुख करने के सड़कों का रुख करना चाहते हैं, तो जो हुकूमत सड़कों का रुख करे वो पहले ही नाकाम हो चुकी होती है। जी पंजाब के वज़ीर आला बुज़दार साहब हैं, आपको मुबारक हो। मैं शायद भी एक बात ऐड कर, जी जी देखें, गुजारिश ये है कि हुकूमत जो है डे वन से, ये सारे मुल्क को पता है, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को पता है कि ये हुकूमत आरटीएस सिस्टम की पैदावार है, ये कोई जमहूरी तरीके से आई हुई हुकूमत नहीं है। आज वो जो धमकियां लगा रहे हैं, उस दिन शायद भाई भी मौजूद थे मौके पर, किस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट लॉजिस के ऊपर जो हमला किया, किस तरह से पुलिस के ज़रिए पुलिस गर्दी करवाई, गुंडागर्दी करवाई, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? आधा घंटा भी नहीं गुजार सके, फिर उन्हीं जो गैर मुसल्ला लोग थे उनको इन्होंने रिहा कर दिया। और आज भी आप पार्लियामेंट लॉजिस में जाकर देखें, जो हुकूमत के MNAs हैं और उनके हवारी हैं, वो 40-40 असला से लेके गार्ड्स आज भी फिर रहे हैं, उनको कोई नहीं पूछता। लेकिन ये इनकी जो धमकियां हैं और जो इनके ये हैं कि हम वो उस दिन जलसा कर देंगे और रोक लेंगे, ये MNAs को और अराकीन पार्लियामेंट को कतई तौर पे नहीं रोक सकते। इंशाअल्लाह ताला हर MNA अपना वोट का हक इस्तेमाल करेगा
हम इनको एडवांस चैलेंज कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इनमें हिम्मत है तो ये रोक कर दिखाएं।